हाय गाइस, हवाई गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं और अलार्म ने मेरी नींद उड़ा दी है। ज़रूरी है अगर आपको दिन भर एक्टिव रहना है और आपको अच्छे से काम करना है, अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने हैं, तो आपको मॉर्निंग एक जोश के साथ शुरू करनी चाहिए। तो वो जोश ने मेरे को जगा दिया है। अभी मैं जाऊँगा ग्राउंड, थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा, रनिंग करूँगा, कार्डियो करूँगा, वापस घर आऊँगा, थोड़ी डाइट लूँगा, अपना ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद हम चलेंगे आज ऑफिस। आज मैं आपको ऑफिस का टूर कराऊँगा कि क्या मैं काम करता हूँ, क्या मेरा प्रोफाइल है, ऑफिस में कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या काम सब लोग करते हैं और ऑफिस में कैसा दिन मेरा जाता है। तो सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में, विस्तार में दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ़िलहाल चलते हैं वर्कआउट के। ग्राउंड पहुंच चुका हूं, 5 बज चुके हैं और अभी मैं थोड़ी सी रनिंग करूंगा, 2-3 किलोमीटर कोशिश करूंगा रनिंग करने की, और उसके बाद कुछ कार्डियो करेंगे। तो मैं रनिंग फिनिश कर लेता हूं, फिर आपसे मिलता हूं थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, रनिंग कंप्लीट हो गई है, 2 किलोमीटर रनिंग की है। काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ क्योंकि पैर में चोट थी, तो आज 2 किलोमीटर की है। फीलिंग गुड, रिकवर हुई है चोट। अभी थोड़ा सा कार्डियो करेंगे। डन विद दी कार्डियो, कार्डियो कंप्लीट हो गया है, आधे घंटे कार्डियो कर लिया है, तो बॉडी पूरी जोश से भरी हुई है। बहुत एक्टिव फील करते हैं जब आप कार्डियो या योगा करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। जाने का टाइम हो गया है, तो नहा लेते हैं और फिर नहाने के बाद फ्रेश होके तैयार होके चलते हैं ऑफिस के लिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नहाने के बाद। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। ब्रेकफास्ट में आज पराठा और दूध लिया है क्योंकि वाईफाई नहीं है, तो मम्मी ने मम्मी को नहीं पता कि मैं क्या डाइट लेता हूँ, तो मम्मी ने जो दे दिया वो मैंने खा लिया। वैसे नॉर्मली मैं डाइट अपना फॉलो करता हूँ, चाहे वो ओट्स हो, कॉर्नफ्लेक्स हो या ब्राउन ब्रेड हो, वो सारी चीज़ें लेता हूँ क्योंकि वर्कआउट करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन कोई नहीं, जब वाईफाई यहाँ पे नहीं होती है तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। तो ब्रेकफास्ट हो गया, आज हम चलेंगे अपने ऑफिस। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जॉब करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नए हैं जो चैनल पर अभी नए आए हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर कम्युनिकेशन इन दी यूपीज़ बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दैट इज़ GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। वहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पर जितनी भी
कम्युनिकेशन होती है वो मेरे थ्रू होती है या मेरी टीम के थ्रू होती है, तो वहाँ क्या क्या काम होते हैं, कैसे हम काम को अंजाम देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा, अपनी टीम मेंबर से मिलाऊंगा, कैसा है ऑफिस, कैसे हम लोग सब काम करते हैं और कैसे डिलीवर करते हैं अपने आउटपुट्स को। ये हमारी टीम के एक मेंबर हमें बस स्टॉप पर मिल गए हैं, चंद्र प्रकाश पांडे, मीडिया का काम देखते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो स्टॉप पर पहुँच चुके हैं अभी हम लोग, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आई नहीं, गर्मी बहुत है, तो इसलिए पेड़ की थोड़ी सी मदद ले रहे हैं, होप के गर्मी से थोड़ा मन। ये एक और व्यक्ति आ चुके हैं हमारे पास। दूसरे व्यक्ति मिल गए हैं आज, मैचिंग मैचिंग पहन के आए हैं, और ये ज्ञानू भैया हैं, ये डिज़ाइनिंग का काम देखते हैं हमारे यहाँ पे, तो ऑफिस आ चुके हैं हम लोग। बहुत लंबी जर्नी रही हमारी, जैसा कि आपने देखा बस का सफ़र बहुत ही बोरिंग होता है। ये हमारा ऑफिस, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग सेल, आज मैं आपको घुमाता हूँ रूम नंबर 129 मीडिया सेल। ये पूरे ऑफिस का लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरे ऑफिस का एक परिवार के तरीके से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे बड़े भैया, पूरे ऑफिस में सबसे अच्छे भैया और सीनियर हमारे तपेश सर, इनसे मिलिए। ये इनका केबिन है तपेश सर, और हमारे परिवार में एक नए मेंबर जो परिवार के साथ है, न्यू ज्वाइनिंग, राहुल देव सर अभी कहीं बिजी हैं फोन पर। राहुल देव सर प्लीज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केविन, मेरे सबसे प्यारे और प्रिय अजीज, मेरे ज्ञानेश्वर शर्मा भाई, ये इनका केविन है, और अब हम चलते हैं मीडिया एग्जीक्यूटिव मीडिया डेजिग्नेशन, मेरे चंद्र प्रकाश पांडे भाई अभी यहाँ पर केविन में नहीं है, ये उनका केबिन है, ना ही हो तो बेहतर है और ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि ये बेचारे अखबार में न्यूज़ छापते रहते हैं और फिर उसके बाद में उनको डेली अखबार से डाउनलोड करके फिर उनको मेंटेन करके रखना। और अब हम चलते हैं हमारे खुश मिजाज यूट्यूब चैनल के अधिकारी राहुल चौधरी, सबसे बढ़िया इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अच्छे से एडिटिंग करके उनको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। और अब मैं आपको अपना केबिन दिखा देता हूँ, ये है मेरा केबिन, यहाँ पे फैजुल हसन बैठे नहीं है चेयर पे, क्योंकि फैजुल हसन खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी हम ऑफिस पहुँच चुके हैं, तो ऑफिस का ओवरव्यू आपने देख लिया है, तो मैं आपको मिला देता हूँ कौन कौन टीम में काम करते हैं। तो कहाँ गए, ये है फैजुल भाई, आप पहले इनसे मिल चुके हैं, ट्रिप पे मेरे साथ गए थे, और ये यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं पूरे जीएलए में, जितनी फोटोग्राफी का काम होता है। इज़ मिस्टर राहुल देव, मेरे नाम राशि हैं, और इन्होंने अभी लास्ट मंथ ज्वाइन किया हमारी टीम में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और क्रिएटिव डिज़ाइनर, और पार्ट टाइम वाइल्ड फोटोग्राफी भी करते हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, मैं कभी फ़ोटो भी इनके शेयर करूँगा, आपको पसंद आएंगे। ही इज़ मिस्टर ज्ञानेश्वर शर्मा, कूल ज्ञानेश्वर शर्मा, ये काफ़ी कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा नहीं बोलते हैं, शांति रहते हैं, मतलब आप देख रहे हैं इन्होंने अभी भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया है। तो ये है, ये ज्ञानेश्वर सर का केबिन है, यहाँ पे चंद्र प्रकाश पांडे जो सुबह मेरे साथ बस स्टॉप पे थे वो यहाँ पे बैठते हैं, ये फैजुल भाई की सीट है तो यहाँ पे फैजुल भाई बैठते हैं, और दो लोग और हैं अभी हमारे साथ, अभी इनकी सुबह सुबह लड़ाई हो चुकी है, लेकिन बातों से लग रहा है कि पैचअप हो गया है। ये तपेश सर हैं हमारे सबसे सीनियर और इस ऑफिस के सबसे एल्डर कह सकते हैं आप इनको, बुज़ुर्ग तो नहीं कहूँगा लेकिन एल्डर हैं ये, हमारे एल्डर ब्रदर हैं, इन्हीं के सानिध्य में हम सब लोग काम करते हैं, इन्हीं से सब कुछ मैंने सीखा है, बाकी टीम मेंबर से मैं सीख रहा हूँ,
चाहे वो फोटोग्राफी हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, मैं सभी यहीं सीखा हूँ और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखते हैं कि काम क्या क्या होते हैं ऑफिस में, कैसे कैसे होते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं काम को, फिर मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि आपको काम होता कैसे है, कैसे कैसे हम उस चीज़ को करते हैं। सुबह के 11:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, टी ब्रेक है। जो हमारे ज्ञानू भाई हैं वो भी ब्लॉगिंग का थोड़ा सीख रहे हैं, कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। सेल्फी स्टिक पे कैमरा टेस्टिंग चल रही है, पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि अभी चाय पानी चल रहा है, नाश्ता पानी चल रहा है। पांडे हाय फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 12, 2 घंटे मैं ऑफिस में आए हुए हो चुके हैं। आपने ओवरव्यू देख लिया ऑफिस में क्या कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो अभी जो काम चल रहा है वो एडमिशन का काम चल रहा है, अभी हम एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो हमारा बेसिक काम रहता है वो मेरा जो काम है वो ये होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो पहले किसी थर्ड पर्सन के थ्रू या किसी भी इंटरनल सोर्स के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कोई अवार्ड अगर हमको मिलता है, जीएलए को किसी एजेंसी ने अवार्ड दिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास या तो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आ सकती है या कहीं इंटरनल सोर्स के थ्रू आती है, तो एक इन्फॉर्मेशन आती है। तो जो फर्स्ट स्टेज में जो हम काम करते हैं, पहले हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको तरीके से कॉन्टेंट को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद फिर हम उस कॉन्टेंट को एक बार अप्रूव करने के बाद फिर उसको डिज़ाइनिंग टीम को देते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ ज्ञानेश्वर सर और राहुल देव सर हैं, वो डिज़ाइनिंग टीम का पार्ट हैं, तो वो उसको डिज़ाइन करते हैं। एक बार वहाँ से डिज़ाइन का लेआउट बन के आता है, 2-3 सैंपल, फिर हम उस डिज़ाइन को देखते हैं कि सारे कलर, सारा कॉम्बिनेशन, सारी सीक्वेंसिंग, थीम, फ़ोटो, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं कि नहीं है। तो जैसे ही एक बार डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है तो फिर जो थर्ड स्टेप होता है वो उसको पब्लिश करने का, तो थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ मीडिया, थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। तो वहाँ पे हम उस चीज़ को पब्लिश करते हैं, तब जाके एक कम्युनिकेशन कम्प्लीट होता है इनिशियल लेवल से लेके और जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक उस कम्युनिकेशन को पहुँचाना तरीके से, और जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं वो एक बंदे तक या स्टूडेंट तक या पेरेंट तक या किसी रिक्रूटर तक वो पहुँच जाए, ये हमें सुनिश्चित करना होता है। और सारी चीज़ों को देखना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो एक ये मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, इस तरीके से काम चलता है। तो अभी जो सारी टीम काम कर रही है वो एडमिशन्स स्टार्ट हैं यहाँ पे, तो एडमिशन का कैंपेन चल रहा है, तो सारे एडवर्टीजमेंट्स, मेलर्स, होर्डिंग्स, बैनर्स, जो भी आप जहाँ पे भी डिस्प्ले देख सकते हैं, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो टीवी पे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो होर्डिंग्स हो, रेडियो हो, बहुत सारे डिफरेंट मीडियाज़ हैं जहाँ पे पब्लिसिटी होती है, मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, सारी चीज़ों को देखना, वो काम हमारे यहाँ पर रहता है। तो अभी हम उसी पर काम कर रहे हैं। तो अभी 12 बज चुके हैं जैसा कि, तो अभी 1 बजे तक हम कुछ चीज़ें निपटाने की कोशिश करेंगे, फिर 1 बजे जो हमारी टीम लंच करती है तो हम जितने भी 6 लोग 7 लोग ऑफिस में हैं वो सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, जिससे कि एक यूनिटी और भाईचारा प्रेम बना रहता है सब लोगों के बीच में। तो हम बिल्कुल परिवार की तरह काम करते हैं, जिससे कि कोई भी ईगो या फिर कोई ऊपर नीचे, बॉस, जूनियर, सीनियर, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ऐसा कुछ लाइट माहौल यहाँ पर रहता है। आज 1:30 बज चुके हैं और लंच टाइम हो गया है। फैजुल भाई लंच कर ले, आ जाओ। तो लंच हम लोग साथ में करेंगे कि जिससे वैरायटी हो जाती है और प्रेम भाव बना रहता है, इसलिए लंच सब लोग साथ में करते हैं। तो भी मिलते हैं लंच के बाद। हाय गाइस, 6 बज चुके हैं, तो काम ख़त्म हो गया आज का। तो कल संडे है तो वीकेंड एंजॉय करेंगे, आई होप कि कोई नई जर्नी शुरू करेंगे और कुछ नया व्लॉग करने के लिए आउटिंग करेंगे। तो दिन बहुत अच्छा रहा, जो भी काम थे वो आज के निपट गए हैं, अब मंडे को एक नई शुरुआत करेंगे। तो बस ये आज का शेड्यूल था हम लोगों का, ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। और अभी मैं घर पहुँचूँगा बस से, फिर वापस अपने घर,
और फिर शाम को वही ग्राउंड जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा, फिर घर आके वही खाना खा के सो जाता हूँ, फिर वही 4:30 बजे से मॉर्निंग स्टार्ट होती है। तो कुछ इसी तरह का मेरा डेली रूटीन रहता है। मीनवाइल जब भी मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है ऑफिस में, तो अपने थोड़े बहुत वीडियोस को मैं एडिट कर लेता हूँ, फिर मैं लैपटॉप घर पे भी ले जाता हूँ। तो शाम को भी जब मैं ग्राउंड से वापस आता हूँ तो थोड़े बहुत वीडियो मैं घर पे एडिट करता हूँ। तो बस ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको एनकरेज करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.